आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। चित्तौड़गढ़ जिले के अकोला में जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए बनास एवं बैडच व गंभीरी नदी शुद्धि अभियान अंतर्गत नदी जल एवं पर्यावरण संरक्षण जन जागरण यात्रा समस्त ग्रामवासी अकोला एवं गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में मंगलवार प्रातः 9:30 बजे यात्रा का शुभारम्भ हुआ। शुभारम्भ गंगाजल कलश के पदार्पण के साथ प्रारंभ हुआ। इस यात्रा में महिलाओं द्वारा कलश पूजन एवं गंगाजल कलश को अगवानी के पश्चात ग्रामवासियों के सानिध्य में मुख्य बाजार स्थित चारभुजा मंदिर से यात्रा प्रारंभ हुई, जो मुख्य मार्गों से होते हुए मौलियों का मंदिर, बलदेव जी मंदिर, सुथारों का मंदिर, कुमावतों का मंदिर, छीपा मंदिर, भटवाड़ा मंदिर, नरसिंह द्वारा होते हुए दशहरा मैदान पहुंचकर दशहरा मैदान में बैडच नदी का अभिषेक पूजन गायत्री शक्तिपीठ से आए पंडित एवं स्थानीय पंडित द्वारा किया गया एवं गंगा एवं बैडच आरती के पश्चात नदी को हरी चूंदड़ ओढ़ाने का कार्यक्रम हुआ। खाक चौक अयोध्या वाले अखाड़ा मनहत बजरंग दास जी महाराज अकोला का भी स्वागत हुआ। उक्त कार्यक्रम समस्त ग्रामवासियों के सानिध्य में एवं अखिल विश्व गायत्री परिवार के राजस्थान प्रभारी घनश्याम पालीवाल, उपजौन प्रभारी भंवर पालीवाल, मात्र कुंडिया शक्ति पीठ व्यवस्थापक भगवती लाल व्यास, गायत्री परिवार के बेड़चर अंचल शुद्धि अभियान प्रभारी शांति लाल जाट, मनोहर लाल राजसमंद, मोहन गुर्जर आदि द्वारा पूजन अभिषेक करवाया। इस मौके पर सरपंच तारा मालीवाल, समाज सेवी शंकरलाल मालीवाल, उप सरपंच भेरूलाल जाट, जयप्रकाश टेलर, मदन लाल गर्ग, बाबूलाल ननदवाना, बंशी लाल टेलर, गजेंद्र गौड आदि ग्रामीणों सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। खबर आपकी राजस्थान से नंदलाल तेली। पानी बना देता तो सेजा, बारह महीने हमारा सेजा बन सकता है। तो एक चेक डैम हो, तटबंधन हो, कहाँ वृक्ष लग सकते हैं, नदी के किनारे कहाँ पानी रुक रहा है, कहाँ सफाई करनी जरूरी है, ये प्रस्ताव आपको कॉन्क्रीट देना है और जो आप दे दोगे वो सैंक्शन होगा। यूनि के भाई शांतिलाल जी को बता दिया, शांतिलाल जी ने बनोली निकाल दी।